बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले इंडियन बॉयज जो कि आए हैं मुझे मेरी वीडियो देख के बिहारी छोरे की तरफ से, बहुत से लोग मिले हैं, थैंक यू सो मच इंडियन का, और आते हैं उन्होंने मुझे इंस्टा पे सबसे पहले अप्रिशिएट किया उनका। खजूर की प्राइस क्या है अंकल इसकी? ये 500 रुपए किलो। ये जो बड़ी वाली खजूर आपको नजर आ रही है ना, ये 500 रुपए किलो। अब मुझे सॉरी यार बनाने को दर्जन कहते हैं, किलो नहीं कहते, सॉरी। आप मुझे बताएंगे बड़े बनाने इसलिए थी? अच्छा इसकी क्या प्राइस बताई थी? अच्छा ये जो है ना, ये हमारे इधर 350 मिल रहा है इस टाइम, और ये 150। अगर आपसे फाइनल कोई करवाए तो आप कितना करते हैं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समन की दुनिया, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले इंडियन बॉयज जो कि आए हैं मुझे मेरी वीडियो देख के बिहारी छोरे की तरफ से, बहुत से लोग मिले हैं, थैंक यू सो मच इंडियन का, और आते हैं उन्होंने मुझे इंस्टा पे सबसे पहले अप्रिशिएट किया उनका, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कि पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ नाम है, मोहब्बत सबके दिलों में एक जैसी होती है। तो उधर इंस्टा में एक लड़के ने मुझे मैसेज किया इंडिया की तरफ से, वो उन्होंने कहा कि आपके रमज़ान चल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी रमज़ान तो चल रहे हैं। कहता रमज़ान चल रहे हैं लेकिन आपने अभी तक रमज़ान में खाए जाने वाला सबसे ज़्यादा होता है वो फ्रूट्स। मैं कहा हाँ जी फ्रूट है। तो कहते आपने उस पर क्यों नहीं व्लॉग बनाया? बहुत से लोग तो फ्रूट का बायकॉट कर रहे हैं, यानी कि उनको पाकिस्तान के बारे में सारी खबर है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दरअसल फिर मैंने सोचा कि हाँ यार वाकई मैंने तो फ्रूट के बारे में कुछ बनाया ही नहीं। तो आज मैंने प्लान किया है कि सबसे पहले हम फ्रूट मार्केट जाते हैं और फ्रूट्स के रेट पूछते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे पाकिस्तान में फ्रूट की प्राइस क्या चल रही है। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या क्या प्राइस चल रही है। सबसे पहले चलते हैं फ्रूट्स का, तो अभी मुझे फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या प्राइस है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो पेट्रोल है ना उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। और आए ज़रा हमारे पास पेट्रोल भी कितना रह गया देखें, यानी कि बस ख़त्म होने ही वाला रह गया है। चलें चलें फिर चलते हैं फ्रूट की प्राइस देखने के लिए। अंकल पेट्रोल की कीमत क्या है आज? पेट्रोल की कीमत क्या है? 273 वही की वही रेट है, कम नहीं होना क्या? यानी कि मुझे पेट्रोल से बायकॉट करना पड़ेगा, ऐसे ही है? अब बायकॉट कर ही दें आज, फिर डन है बायकॉट करते। अच्छा जी हमने बाइक लगा लिया इधर एक गली में, तो मैं मुझे चलते हैं ऐसे पैदल फ्रूट मार्केट जाना पड़ेगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। चला जाओ यार। और ये क्या बन रहा है? ये क्या है पूछे? ये चिट्टाइयाँ हैं जिसे कहते हैं ना, मुझे तो लगता वो है। अंकल ये क्या है अंकल? चिट्टाइयाँ? अच्छा इससे क्या करते हैं लोग? करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, वही है दस्तरखान। अच्छा भी ये सारी जो है ना ये फ्रूट मार्केट है, यहाँ से फ्रूट सेल होता है और यहाँ बहुत रश होता है। अफतारी के बाद कुछ ज्यादा यहाँ पे रश होता है, आप देख सकते हैं। अच्छा जैसे कि आपको पता है हम अफतारी करते हैं, अफतारी में जो पहले चीज खाते हैं हम खजूर खाते हैं। प्राइस क्या है अंकल इसकी? ये 500 रुपए किलो। ये जो बड़ी वाली खजूर आपको नजर आ रही है ना, ये 500 रुपए किलो है इस टाइम हमारे इधर मिल रही है। और ये छोटी वाली की क्या प्राइस है? 400 रुपए किलो। और ये 400 रुपए किलो, आप साफ लगा लें कितनी महंगी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं हम फ्रूट की तरफ चलते हैं, वो प्राइस देखते हैं। देख सकते हैं यार बहुत रश है, सड़क छोटी सी क्रॉस करना बहुत मुश्किल हुआ पर है, और बोल बोल के गला भी सूख गया भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या प्राइस है स्ट्रॉबेरी की? 200। अच्छा 200 रुपए किलो, अगर फाइनल लेना चाहें तो कितनी हो सकती है? 180। अच्छा वैसे इसकी प्राइस 200 रुपए किलो है, लेकिन हम फाइनल लेना चाहें तो भाई कह रहे हैं ऐड कर देंगे 180 ले आएंगे। 100 रुपए कितने किलो? अच्छा ये जी 100 रुपए किलो मीठा है कि नहीं है? कितना मीठा है? रसगुल्ले जितना मीठा है नहीं? अच्छा अगर हम फाइनल करें तो क्या होगा इसका? हाँ जी क्या होगा? 80 हो जाएगा भाई। रियायत कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी में लोग इतने जालिम नहीं है, रियायत करके ही चीज़ देते हैं, ऐसे नहीं देते। नेक्स्ट चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या ग्रेप्स की प्राइस है? 150।
सौ रुपए पाव है और किलो कितने के बनेंगे? 600 रुपए में किलो मिलेगा। फाइनल कितना मिलेगा हमें? आप अगर पाव लिया जाए फाइनल कितना देंगे? 4.5। अच्छा 5.5। और खरबूजे का क्या प्राइस है? 100 रुपए किलो। यानी कि एक जैसा प्राइस है, यहाँ पे कोई मुख्तलिफ नहीं है, मतलब जुल्म नहीं होता किसी के साथ, सब में एक प्राइस रखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, बनाने के लिए आए हैं सर? 300-250। अच्छा देखें, ये 300 रुपए किलो है और ये 250। अब मुझे सॉरी यार, बनाने को दर्जन कहते हैं, किलो नहीं कहते, सॉरी। आप मुझे बताएंगे बड़े बनाने इसलिए ये 300 के हैं और ये? अच्छा महंगे कितने हैं आजकल, ये रमजान में कितनी महंगाई हुई है बनाने के निस्बत? पहले जितनी है कि इस बार ज्यादा हुई है, इस बार ज्यादा हुई है, पहले बड़ी कम होती थी। बल्कि खैर, अब लेने वालों ने तो हर चीज़ लेनी है, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो। आगे चलते हैं, वही चीज़ आ रही है, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे, अंगूर, हर चीज़ हो गई है। आगे चलते हैं। अगर मुझे बताइए सेब की क्या प्राइस है? 150 रुपये किलो। और ये वो जो लाल वाला है वो दिखाएँ? 350 रुपये। अच्छा जी, एक है जी लाल वाला और इसे क्या कहते हैं? ये भाई साहब। अच्छा इसकी क्या प्राइस बताई थी? 350। अच्छा ये जो है ना, ये हमारे इधर 350 मिल रहा है इस टाइम, और ये 150। अगर आपसे फाइनल कोई करवाए तो आप कितना करते हैं? फाइनली 150 और ये फाइनली 350। यानी कि यहाँ पे कोई रहत नहीं है। अभी जो सबसे महंगा चल रहा है ना, वो बनाना और सेब ही चल रहा है ना, ऐसे ही है। ये बताएं, ये ले, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये जूस वाले सेब, अंकल इसकी क्या प्राइस चल रही है? 120। अच्छा इस टाइम इसकी 120 प्राइस चल रही है किलो, यानी कि जूस वाले सेब है, सही चल रही है, नॉर्मल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या प्राइस चल रही है इनकी? 500 रुपये। अच्छा जी, आप देख लें, जब रमज़ान के बाद ईद आती है और ईद में जो सबसे पहले चीज़ खाई जाने वाली है ना, वो है फेनिया, और ये सबकी पसंदीदा है। 100 रुपये किलो चल रही है ईद के दौरान, ये मुझे लगता है और महंगी हो जाएगी। मैं कहूंगी 600 रुपये किलो होगी। 600 हो जाएगी, यानी कि अभी ईद आने में हमारे यहाँ 20 दिन तो पड़ेंगे, ऐसा ही है। तो जब ईद आएगी ना, इसकी प्राइस और महंगी हो जाएगी। अब देखते हैं कितनी होती है, 650 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है, लेकिन खैर खाने वालों ने ये भी खा लेनी है। हर फ्रूट्स की डिफरेंट प्राइस है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। अभी जो रमज़ान चल रहे हैं ना, जो पिछले रमज़ान गुजरे थे ना, उससे बहुत ज़्यादा प्राइस चल रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, खैर है, हम चलते हैं अपनी स्कूटी की तरफ। क्या कर रही हो भाई मेरी स्कूटी के पास? हेलो, क्या चाहिए? बिल्ली सैर करनी है स्कूटी की? हैं, सैर करनी? ओए वाह, डर। अच्छा जी, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि डिफरेंट फ्रूट्स की डिफरेंट प्राइस चल रही हैं, तो आपके यहाँ, आप जिस जगह में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, आपने भी लाजमी प्राइस मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान यानी कि समन इलियास को आपकी समन की दुनिया यानी व्लॉग में से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और हाँ यार, काइंडली DM+ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।